आपको एक मैसेज दिखाता हूँ, स्टे एट होम, सेफ एट होम। वीर तुम पड़े रहो, धीर तुम पड़े रहो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम मगर हिलो नहीं, तुम मगर डुलो नहीं, संघर्ष है प्रचंड, अब घर में ही पड़े रहो। इन चार लाइन्स में काफी सारांश आ जाता है। और कोरोना से बचने के लिए हमें घरों में ही रहना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दूं, अभी कोरोना वायरस की थर्ड स्टेज चल रही है इंडिया में और सभी को घरों के अंदर रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि ये छूने से फैलता है। इसलिए आप कोरोना वायरस से बचने के लिए 21 दिनों तक घरों में ही रहें, जब तक आपको आगे के निर्देश ना दिए जाएं। हम क्या करते हैं, घरों में रहते नहीं हैं और निकल जाते हैं, इससे हमें ही नहीं हमारी पूरी फैमिली को ही खतरा है। गवर्नमेंट सही कह रही है कि आप घरों में ही रहें, क्योंकि ये टच करने से ही फैल रहा है। इसलिए तो आप जब भी बाहर निकलें तो कोई काम से ही निकलें, फालतू में ना निकलें। और जब भी घर में आएं तो घर वालों को बोल दें कि गेट पहले से ही खुला रखें, क्योंकि आप जो गेट के हैंडल्स हैं उनको आप छुएं नहीं। और जब आप घरों में घुसें तो सबसे पहले आप वॉशरूम में जाइए, वहाँ पर अपने कपड़े उतारिए और सबसे पहले नहाइए और उन कपड़ों को धोइए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हमारे कपड़ों के ऊपर चिपकता है, हमारे बालों में रहता है, इस वजह से ये फैलता रहता है। जब तक हम बाहर रहेंगे तो हम इससे बच नहीं पाएंगे, और जब तक हम घरों में रहेंगे हम इसे बच जाएंगे। तो आप दिन में कम से कम 20 से 25 बार हाथ धोइए और सभी घर वालों को भी इसके लिए जागरूक कीजिए, और जो नहीं मान रहा है उसको भी जागरूक कीजिए, क्योंकि एक आदमी काफ़ी आदमी को इन्फेक्टेड कर सकता है। आप दिन में 2 टाइम ग्रीन टी पी सकते हैं, इससे आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज होगी। ग्रीन टी के ऊपर मेरे काफ़ी वीडियोज़ हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ। कोरोना के रूप में इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया है, और इस संकट से बचने के लिए हम सबको मिलकर चलना पड़ेगा और गवर्नमेंट का साथ देना पड़ेगा। इसलिए हम सब मिलकर 21 दिनों तक घरों में ही रहेंगे, ये संकल्प हमें लेना पड़ेगा। तो आप घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए। आज हम बात करेंगे स्वीट सुल्तान प्लांट केयर पर। स्वीट सुल्तान सीजनल प्लांट होता है विंटर का, इंडिया में और अदर एशियन कंट्रीज़ में। बाकी ठंडे एरियाज़ में ये पेरिनल प्लांट होता है, या फिर साल भर चलने वाला प्लांट होता है। जहाँ पर ठंड पड़ती है वहाँ पर ये पूरे साल भर चलता है। इसका साइंटिफिक नेम है अंबर बुआ मोस्चाटा, और ये एस्ट्रेसी फैमिली का प्लांट है। ये प्लांट सूरजमुखी परिवार की एक प्रजाति है, जो दक्षिण पश्चिमी एशिया की प्रजाति है। ये तुर्की, ईरान, इराक और काकेशस का मूल निवासी है, और ये एक सजावटी प्लांट है। ये चीन और नॉर्थ अमेरिका में भी पाया जाता है। इसके फ्लावर से बहुत अच्छी खुशबू आती है, और ये काफ़ी कलर्स में भी अवेलेबल है। मेरे पास है, एक तो है पर्पल और एक है वाइट, और बाकी इसमें वाइट, पर्पल, पिंक, येलो, रेड, ब्लू, काफ़ी कलर्स के फ्लावर्स अवेलेबल हैं। जब ये फ्लावर्स ड्राई होते हैं तो इन फ्लावर्स के अंदर ही इनके सीड पॉड्स बनते हैं, और इनके अंदर इनके सीड्स बन जाते हैं। तो आप यहाँ से इनको कलेक्ट कर सकते हैं, और जब नेक्स्ट सीजन आए तो वापस आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। स्वीट सुल्तान को आप बड़े पॉट में और छोटे पॉट दोनों में लगा सकते हैं, और ये दोनों में आसानी से लग जाता है, और इसे लगाना काफ़ी आसान है। और ये विंटर का सीजनल प्लांट होता है, तो इसके लिए आप इसे सितंबर से लेकर अक्टूबर तक ग्रो कर सकते हैं सीड के द्वारा। तो आप इसे दिसंबर से लेकर अप्रैल तक अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। जब मई आएगी तभी ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उस समय काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है। इसलिए विंटर में इस प्लांट को बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। विंटर में आप इसे 10 से 15 दिनों में एक बार पानी दे सकते हैं, या फिर अगर इसके सोल ड्राई हो तभी आप इसमें पानी दें। और जैसे जैसे गर्मी आती है, जैसे फरवरी से लेकर अप्रैल और मई तक जब तक ये सर्वाइव करता है, तब तक आप इसमें गर्मी में डेली वाटरिंग करें, और ओवर वाटरिंग ना हो ये भी ध्यान रखें, क्योंकि जब तक गमले के अंदर पानी ठहरा हुआ रहेगा तो ये बहुत ही जल्दी
मर जाएगा, क्योंकि पानी ठहरा हुआ रहने से इसकी रूट्स गल जाएंगी, और जब रूट्स गलती हैं तो फंगस आके वो बहुत ही जल्दी डेड हो जाता है प्लांट। जब भी आप स्वीट सुल्तान को ग्रो करें तो आप कोई भी सोइल के अंदर इसे ग्रो कर सकते हैं, चिकनी मिट्टी को छोड़ के। आप ऐसी सोइल चूज कीजिए जिसका ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा हो और उसमें पानी ठहरा हुआ ना रहे। ये देखिए, ये जो सोइल है ये सोइल नहीं है, ये है बजरी। इस गमले के अंदर ओनली बजरी है और बजरी के अंदर ही मैंने इसको लगा दिया था, और ये बजरी के अंदर ही काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। ना तो इसमें बालू रेत है और ना ही कोई दूसरी मिट्टी है, सिर्फ इसमें बजरी है यानी सैंड है, और ये काफ़ी अच्छे से सर्वाइव भी कर रहा है और फ्लावरिंग भी कर रहा है। मैं इसमें टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र देता रहता हूँ, इसलिए स्वीट सुल्तान को फ्लावरिंग करने के लिए ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत रहती है, तो इसलिए आप इसमें 10-10 दिनों में फर्टिलाइज़र देते रहें। आप इसमें कंपोस्ट डिकम्पोस्ट काउडंग के साथ साथ कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं जो ऑर्गेनिक हो और उसमें फॉस्फोरस और पोटेशियम की मात्रा हो जो फ्लावर्स को बढ़ने में हेल्प कर सके। स्वीट सुल्तान को अगर आपको हेल्दी रखना है तो इसे आप ग्रीन नेट के नीचे रखिए। ग्रीन नेट के नीचे ये काफ़ी अच्छे से सर्वाइव करता है, और ग्रीन नेट के नीचे इसको इसकी नीड के अकॉर्डिंग धूप भी मिलती रहती है और छाया भी मिलती रहती है, तो ये अच्छे से हेल्दी बना हुआ रहता है और अच्छे से सर्वाइव करता है। तो इसके लिए आप इसे ग्रीन नेट के नीचे या फिर छायादार जगह पर रखिए तो ये काफ़ी अच्छे से चलेगा। स्वीट सुल्तान को इंसेक्ट्स लगने का डर काफ़ी रहता है, तो इसके लिए आप 1 लीटर पानी लीजिए और 5 ml नीम ऑयल लीजिए, और इस प्लांट के ऊपर 2 दिन तक रेगुलर स्प्रे कीजिए, तो जितने भी इंसेक्ट्स होंगे वो किल हो जाएंगे। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो आप नीम की पत्तियाँ लीजिए और उनको बॉयल कीजिए, उबाल लिए उनको, और जब वो अच्छे से उबल जाए तो उस पानी को आप ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद वो पानी आप छान लीजिए, छान के आप प्लांट की पत्तियों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, इससे भी इंसेक्ट्स किल हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको आपको ग्रो करना है सितंबर से लेकर अक्टूबर तक। जब आप इसे सितंबर में ग्रो करेंगे तो दिसंबर से लेकर अप्रैल तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी, और आप इसमें पानी का ध्यान रखें, टेम्परेचर का ध्यान रखें, और आप इसको ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं। अगर डायरेक्ट सनलाइट के नीचे रखेंगे तो ये बर्न हो जाएगा, और इसमें फर्टिलाइज़र देते रहें 10-10 दिनों में। तो आपको ध्यान रखना है टेम्परेचर का, फर्टिलाइज़र का और पानी का, और सबसे इम्पोर्टेंट आप अभी घरों में ही रहें, बाहर ना निकलें, क्योंकि जब तक आप घरों में रहेंगे आप और आपकी फैमिली दोनों काफ़ी सेफ रहेंगे, और जब ये कोरोना चला जाएगा तब हम अपनी नॉर्मल लाइफ वापस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए कुछ दिन और देर ही रखिए, घरों में ही रहिए। आप घर में अपना घर का काम कर सकते हैं, किचन में हेल्प कर सकते हैं, और भी अदर एक्टिविटीज़ में आप हिस्सा ले सकते हैं, जैसे बच्चों के साथ खेल सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर आप बुक्स भी नहीं पढ़ना चाहते तो आप मूवी देख सकते हैं, मूवी देख लीजिए, लेकिन घरों से बाहर मत निकलिए। आपको एक मैसेज दिखाता हूँ, स्टे एट होम, सेफ एट होम। वीर तुम पड़े रहो, धीर तुम पड़े रहो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम मगर हिलो नहीं, तुम मगर डुलो नहीं, संघर्ष है प्रचंड, अब घर में ही पड़े रहो। इन 4 लाइन्स में काफी सारांश आ जाता है, और कोरोना से बचने के लिए हमें घरों में ही रहना चाहिए।